अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि उस औरत का कसूर है जिसने उस मर्द को फंसा लिया. लेट मी टेल यू, उस औरत का कसूर नहीं है. उस मर्द का कसूर है जिसको पता था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मगर अपनी किसी भी रीजंस की वजह से उसने दूसरी औरत को कुछ तो कहा होगा ना, कुछ तो बताया होगा, तो वो औरत इन्वॉल्व हुई है. क्योंकि अगर एक अनमैरिड लड़की आपके साथ इन्वॉल्व हो रही है, उसको तो पता है कि उसने शादी करनी है, उसके पास तो एक बड़ी जेन्युइन रीजन है किसी भी इंसान के साथ एसोसिएट होने की. आपके पास है कि नहीं ये रीजन, ये आपने सोचना है. सो आप ये नहीं कह सकते कि ये उस मर्द का कसूर है, क्योंकि अपने घर को वो जानता है, उसको पता है कि वो इस रिलेशनशिप को जो बना रहा है वो उसको पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि वो औरतें जो कि कहती हैं कि हाय हाय ये मेरे घर को खा गई, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद नहीं किया, आपका शौहर आपने बर्बाद किया. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रीजन आपने पैदा की कि आपके शौहर बाहर गए और दूसरा आपके शौहर ने बर्बाद किया, तो वो तीसरा आने वाले का कसूर सिर्फ इतना है कि उसको मौका मिला है और वो, और पता नहीं उसको पता भी है कि नहीं पता कि ऑलरेडी क्या सिचुएशन और क्या चीजें चल रही है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसको शायद ये सारी चीजें नहीं पता. तो आप उसको ब्लेम ना करें, आप अपने शोहर को ब्लेम करें, क्योंकि अगर वो ये स्टेप नहीं लेते तो शायद ये चीजें जो है आगे नहीं जा पाती.